Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistry Tricks. Today we are going to discuss the types of organic chemical reaction. बहुत सारे काफी बच्चे होते हैं जिनको ये ही समझ में नहीं आता है कि organic chemical reactions के types कितने हैं, कितने सारे आप देखते हो 11th में, 12th में जाके, हर एक में chemical reaction. But ये क्या है? वैसे देखे जाए तो chemical reactions में एकदम इजी पार्ट होता है. अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए उससे रिलेटेड, तो आप इजीली कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो गए, देन यू कैन इजीली सॉल्व दैट केमिकल रिएक्शन. लो तो रिएक्शंस के मेजर फोर टाइप्स होते हैं हमारे. रिएक्शन कोई भी होगी तो रिएक्शन उसी टाइप में चलती है. ओके, कौन से फोर पैटर्न में ही चलती है केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट वन, दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड एज व्हाट, एडिशन. अनदर होता है सब्स्टिट्यूशन. अनदर होता है इलिमिनेशन रिएक्शन. एंड फोर्थ वन टाइप होता है, दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन. एडिशन, इलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड अनदर विच वन इज दैट, दैट इज अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन. ये मेजर फोर टाइप्स है हमारे केमिकल रिएक्शंस के. वो अगर आपने अच्छे से लर्न किए, अच्छे से उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए आपको, देन यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. कोई भी रिएक्टेंट हो, यू कैन इजिली सॉल्व द प्रोडक्ट. अगर आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा और रिएक्टेंट नहीं होगा, देन यू कैन ऑल्सो सॉल्व दैट, और यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द रिएक्टेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस नाउ. ठीक है, बट बिफोर दैट उसके जो मेजर टाइप्स है, सब टाइप्स है, वो भी आपको अच्छे से क्लियर करने. इस लेक्चर में मैं सिर्फ बताने वाली हूँ कि कितने टाइप्स है उसके, एंड ईच एंड एवरी टाइप्स डिस्कस करने वाली हूँ वन बाय वन ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन इन टू द नेक्स्ट लेक्चर्स नाउ. ठीक है, सो सी फर्स्ट, दैट इज एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अनदर वॉट रीअरेंजमेंट एंड अनदर वॉट इलिमिनेशन रिएक्शन. सिर्फ इतने ही नहीं है, उसके सब टाइप्स भी है. पहले जानते हैं कि क्या होता है एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ट्रिपल बॉन्ड मेक्स डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मेक्स वॉट, सिंगल बॉन्ड. ये एडिशन रिएक्शन का फंडा होता है. ट्रिपल बॉन्ड मेक्स डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मेक्स वॉट, सिंगल बॉन्ड. ओके, अब एडिशन रिएक्शन में थ्री टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री एडिशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. एंड फ्री रेडिकल और फ्री एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अटैक ऑफ फ्री रेडिकल्स. बाद में देखेंगे डीपली. अनदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी वही टाइप्स है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड अनदर विच वन इज दैट, दैट इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन. एडिशन में एड होते रिएजेंट, एडिशन में एड होते रिएजेंट, व्हाइल सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेसमेंट होते रिएजेंट का. क्या होता है वहां पे, रिप्लेसमेंट होता है. और उसमें जो टाइप्स होते हैं न्यूक्लियोफिलिक, उसका अनदर टाइप्स कौन सा है, दैट इज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 12th स्टैंडर्ड के हेलो एल्केन्स, हेलो ऑरेंज लेसन में डीपली दिया गया है. दैट इज उसके दो टाइप्स होते हैं, SN1 SN2 रिएक्शन. SN1 का मतलब होता है दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फॉर यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एंड SN2 का मतलब होता है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. 2 का मतलब होता है बायमोलिकुलर. अनदर जो सेकंड टाइप है इसका, वो है मेजर सेकंड टाइप, विच वन इज दैट, दैट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इलेक्ट्रोफिलिक में मेजर फोर टाइप्स है उसके. फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक के फर्दर कितने टाइप्स होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं, हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अनदर फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन. उसके फर्दर टू टाइप्स है, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन. ठीक है, अनदर पार्ट है हमारा थर्ड रिएक्शन, दैट इज व्हाट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन. मतलब कोई भी रिएक्टेंट होगा, उसमें से कोई भी स्पेसिस होगी, उसको सिर्फ आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है, रीअरेंज करना है. ओके, सेकंड पोजीशन को थर्ड पोजीशन में शिफ्ट करना है, थर्ड पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन में शिफ्ट करना है, इस पैटर्न में. ओके, दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट हियर, रीअरेंजमेंट रिएक्शन. उसके टाइप्स नहीं है. अनदर फोर्थ वन टाइप व्हिच वन इज दैट, दैट इज अ इलिमिनेशन रिएक्शन. नाम में ही सब कुछ है, इलिमिनेशन का मतलब क्या होगा, टू इलिमिनेट. मतलब रिएक्टेंट में अगर एक स्पेसिस एक्स्ट्रा होगी तो उसको इलिमिनेट करना है. इसका मतलब क्या होगा इलिमिनेशन में, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड मेक्स डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड मेक्स डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मेक्स व्हाट हियर, ट्रिपल बॉन्ड नाउ. ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, इलिमिनेशन रिएक्शन. एडिशन में क्या होता है, देखो एड होते हैं वहां पे स्पेसिस. इसका मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड गिव्स डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड गिव्स सिंगल बॉन्ड. और इसके अपोजिट जो होती है रिएक्शन, वो होती है हमारे इलिमिनेशन की. इसका मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड मेक्स डबल बॉन्ड बाय इलिमिनेटिंग टू एटम्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम. फर्दर अगर एटम्स इलिमिनेट किए तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड में होगा. सो सिंगल बॉन्ड मेक्स डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मेक्स वॉट, ट्रिपल बॉन्ड. ये याद में रखो, दोनों जो रिएक्शन होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं.
अब इसके जो टाइप्स होते हैं, देर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स, बट मैं यहाँ पे मेजर यूज कर रही हूँ डिहाइड्रेशन एंड अनदर विच वन इज दैट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है यहाँ पे रिमूवल ऑफ HX. यहाँ पे एक तो H2 या फिर H2 फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. और यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ HX. समझ में आया पार्ट. दीज आर द मेजर फोर टाइप्स ऑफ वॉट, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस ना. ठीक है, एडिशन, इलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड व्हाट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन. इसको अगर आपको डीपली देखना है देन प्लीज सी माय अनदर वीडियो. ओके, थैंक यू.